का वो रामगढ़ का हमारा खूबसूरत घाटी, आप देखिए ये वो तो घाटी दिखा दिया पहला, वो भी डाउनिंग बहुत ज़्यादा था। इसमें हालांकि डर नहीं है, इसमें ब्रेक का डर इसलिए नहीं है, ये टर्निंग काफ़ी ज़्यादा है और उतना डाउन नहीं है, धीरे 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 ये मतलब बराबरी मिलता है। और देखिए ये कितना नज़ारा, ये हमारे रामगढ़ का हम लोग का नाज है, ये घाटी जो है कितना खूबसूरत, सब तरफ घर वगैरह, रोड को चौड़ा कर दिया है। नहीं तो इसमें पहले हम जब आए थे एक बार रांची, इतना तो भैया सब रास्ता एक ही है, कोई अलग अलग रास्ता नहीं। देखे यहाँ पर्यटन लोग का कैसे सब भीड़ है, यहाँ पर नज़ारा लेता है, सब सेल्फी लेता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। शाम में तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाता है यहाँ पे, देखिए ठंडा वगैरह सब लड़का लोग लगा हुआ है। पहले ये दुकान वगैरह नहीं था, सब डरता पहले डरता था पहले इधर आने में कि जंगल में वहाँ कहाँ जाएंगे। अभी देखिए ये सब रात को 7-8 बजे तक सब लड़का लोग रहता है यहाँ पर। और इसी और बता दें कि हमारे जो पिक्चर बना था महेंद्र सिंह धोनी जी के ऊपर में, वो यहाँ का भी थोड़ा उसमें सीन दिखाया गया था, जो वो लोग का कार का सीन था जो यहाँ से कलकत्ता जा रहे हैं, वो सीन यहीं का लिया गया था, वो भी सी पिक्चर में देखे थे वो सीन हम सब लड़के लोग। हाँ बाय 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 बाय, हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई भी हैं यहाँ पे अभी। ये घाटी देख रहे हैं जंगल, इसमें भी तो पता नहीं, वो तो उड़ीसा वाला जंगल दिखाए थे इसमें भी। हालांकि एक चीज़ है, इसके आसपास कभी अभी तक नहीं सुने हमारे रामगढ़ एरिया में कि हाथी वगैरह आया हो। ये गाड़ी से आ रहा है तो हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, वो गाड़ी को चढ़ने देते हैं, अब वो अब जाएगा तब हम जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आदमी जल्दी के चक्कर में भिड़ गए तो टर्निंग में गाड़ी जो है फिर कटने में दिक्कत हो जाता है, टर्निंग हम काटेंगे तो 100 में लग जाता है। ड्राइवर लड़का लोग को देखते हैं कि हेडफोन लगा के घाटी ढूलता, वो गलत है बाबू, प्लेन रोड पे चल रहा है, हेडफोन भी लगा। खूबसूरत वो बीच में पहाड़ी को पूरा राउंड घूमना है हमको, अभी पूरा राउंड घूम करके फिर आना है, यहीं से दिख जाता है पूरा। तो कुछ कुछ ड्राइवरी जो है गाड़ी लाइन में लोगों को देख के सीखना चाहिए, जैसे हम भी बहुत चीज़ सीखे हैं लोगों को देख के ही कि कैसा चलना चाहिए कैसा नहीं। अभी देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे कलर वगैरह भी हुआ है, सब कलर वगैरह कर दिया है। ये देखिए सीढ़ी, इस समय तो लगता है पानी गिरता हुआ, जब बरसात में तो कलर कर दिया है उनको, ये वो जो है टेंशन नहीं रहा। ये देखिए टर्निंग आ गया, फिर ज़्यादा अगर भारी वाहन है जिसमें ज़्यादा माल है उन लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप ब्रेक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं इसी लेकर के। उन लोगों को हल्का वाला सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, चढ़ना तो चढ़ना है, उसे ब्रेक तो लगाना, घूमना है इसको, बीच में पहाड़ है और पूरा राउंड घूम कर फिर इधर आ जाना है। अभी देखिए यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है पूरा सीढ़ी बाय सीढ़ी एकदम दिखाई दे रहा है, लड़का लोग खड़ा ऊपर में जो मेन छोर पर खड़ा है, यहाँ से पूरा दिखता है। अगर वहाँ से कोई इशारा करना चाहे तो देख सकते हैं कितना नीचे हम लोग आ गए अभी, अभी और नीचे जाना है। और नीचे ढुलने के बाद आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ डैम दिखाई देगा, इसको पतरातु डैम बोलते हैं हम लोग। और आपको मछली का अगर शौकीन है तो आइए दिसंबर जनवरी, तब तो आपको जगह भी नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा नाव वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे आप घूम सकते हैं। तो खैर नाव वगैरह में यहाँ हम नहीं घूमे हैं, बाहर दूसरी जगह जरूर घूमें।